वर्गोस, वेलकम टू गुरु माहिनी टैरो। आज की रीडिंग है आपके फरवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर वर्गोस, टू ऑफ स्टार, नाइन ऑफ स्टार्स, purpose, four of moon in reverse, Temperance, तो वर्गो द पेपस का कार्ड है। यहाँ पर पेपस के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से डेडिकेटेड हैं इस रिलेशनशिप में। सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, सारी चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसे कि होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ डाउट्स और इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, क्योंकि टू ऑफ स्टार के साथ आपके लिए डिसीजन करना मुश्किल होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं अपने दिल और दिमाग के बीच। कहीं ना कहीं आपके दिमाग को किसी बात पर डाउट है, किसी बात पर शक है, और आपका हार्ट आपको यहाँ पे रोके हुए है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, शायद उनका बिहेवियर आजकल कुछ अजीब है, या फिर वो अपने कमिटमेंट पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करा सकती है इस वीक में। और यहाँ पे नाइन ऑफ स्टार्स भी है, ऐसा लग रहा है कि आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं दुनिया से। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप इस रिलेशनशिप में हैं, मगर यहाँ पे अब कोई कनेक्शन नहीं बचा, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं बचा, यहाँ किसी तरीके का डेडिकेशन नहीं है, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकती है नाइन ऑफ स्टार के साथ। और यहाँ पे सिक्स ऑफ मून रिवर्स में है, यानी कहीं ना कहीं पास्ट की चीजें आपके लाइफ से जा रही हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट में इस पर्सन के साथ बहुत स्वीट मेमोरीज हो, आपके पास काफी अच्छी यादें हैं, मगर अब जो इस पर्सन का बिहेवियर है उसके कारण चीजें बदल रही है। हो सकता है टेम्परेंस के कार्ड के साथ ये चेंजेस आपको अच्छे ना लगे। आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, पर ये जो कुछ भी हो रहा है वर्गो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उन चीजों के लिए सेटल कर रहे हैं जो शायद आपके लायक नहीं है या आपके लिए परफेक्ट नहीं है। तो इस टेम्परेंस के साथ चेंजेस को देखना होगा, और ये जो चेंजेस हैं ये आपकी लाइफ में आने ही हैं, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ आप एक ही चीज कर सकते हैं, वो ये कि इन चेंजेस के पीछे के रीजन को जानना, क्योंकि ये डेफिनेटली किसी ना किसी रीजन की वजह से ही हो रहा है। और द पेपस के कार्ड के साथ आप यहाँ वेट कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, आप शायद डेस्परेटली वेट कर रहे हैं इस पर्सन के कमिट करने का या आपको प्रपोज करने का, पर ये पर्सन शायद सिर्फ और सिर्फ आपको होप दे रहा है, फॉल्स होप्स। और ये वक्त है शायद आप कुछ चेंजेस लाने का। अगर आप एक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्स एक्ट करेगा, यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए वो चेंजेस लाएगा जो आपके लिए जरूरी है और जो आपके बेहतर फ्यूचर को क्रिएट करेंगे। ओके,
हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, पर ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Swords in reverse. Nine of Swords in reverse. The Empress, Two of Swords in reverse. And six of square in reverse. तो two of star के साथ वर्गो, ये टाइम है किसी चीज से दूर जाने का, इवन इफ वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिर भी, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए क्लियरली सोचने के लिए। और सिक्स ऑफ स्फेयर के साथ मेरे ख्याल से आपको एडवाइसेस भी मिल रही हैं इस बारे में ऑलरेडी, हो सकता है या आपके फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स हो जो आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है या ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, लेकिन आप इनकी बातों को इग्नोर करके अभी तक इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर रहे हैं या अपने आसपास के लोगों के ओपिनियन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा मत कीजिए, ये लोग एक्चुअली आपके वेल विशर हैं और इस समय ये जो मैसेजेस आपको दे रहे हैं वो मैसेजेस यूनिवर्स के हैं, बस इनके थ्रू आपको मिल रहे हैं। ओके एंड शायद आप किसी चीज से इतना ज्यादा अटैच हो चुके हैं या फिर इतना ज्यादा आप इस चीज को लेके श्योर हैं कि इसे आप छोड़ना नहीं चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस चीज को छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज कर देंगे या ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा या सिंपली आप इस पर्सन के बिना नहीं रह पाएंगे। ये आपका मिसकंसेप्शन है। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आप कंप्लीट है वर्गो, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो किसी पर्सन को अपने लवर में चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है किसी एक पर्सन के नजर की। ऐसा लग रहा है कि आप डेस्परेट हैं कि ये पर्सन एक बार आपसे कमिट करे या एक बार अपना लव आपको दिखाए। तो यहाँ पे द एम्प्रेस को कहा जा रहा है कि एम्प्रेस परफेक्ट होके भी कभी कभी अपने आप को भूल जाती है और अपने आप को इग्नोर करने लगती है। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आप हैं, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी सिर्फ आपको कमजोर बना रही है और आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है। और एट ऑफ स्टार के रिवर्स में होने का मतलब है कि आपको जरूरत है अब अपने आंखों से पट्टी हटाने की। शायद आप सच को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो जरूरी है कि आप अपने आंखों पर से ये पट्टी हटाएं। चलिए देखते हैं आपके लिए और कोई मैसेज क्या है वर्गो। Mintaken, longing for home, belonging, the original light workers. आपको शायद अपने घर की याद आ सकती है अगर आप अभी अपने घर से दूर हैं। आपको अकेलापन महसूस हो सकता है
आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे बिलोंग करते हैं और वहीं आपकी जगह है, पर शायद इस समय आपका वहाँ होना पॉसिबल नहीं है। खैर जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने स्पिरिट को सबसे पहले हेल्दी कीजिए, यानी अपने स्पिरिट को सुनिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो ये है रीडिंग फरवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।